स्थानीय नगर निकाय विभाग की ओर से व्यापारियों से इम्पैक्ट फीस वसूलने के सरकार की मंशा के खिलाफ व्यापारी एकजुट होना शुरू हो गए हैं। घाट गेट व्यापार मंडल और जयपुर व्यापार महासंघ के पदाधिकारी इस मुद्दे पर क्षेत्रीय विधायक से मिलने उनके निवास पर पहुंचे और उन्हें अपनी समस्या से अवगत करवाया। व्यापारियों में सरकार के इस निर्णय से नाराजगी है और उन्होंने इस नाराजगी का इजहार भी विधायक को किया। विधायक ने व्यापारियों को आश्वस्त किया कि उनके हितों पर आंच नहीं आने दी जाएगी। जयपुर व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों ने भी इस मौके पर सरकारी रवैये के प्रति नाराजगी जाहिर की और इसके बाद व्यापारी विधायक के साथ यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल के निवास पर पहुंचे। इसमें नहीं नहीं देखो ये क्या हुआ, ये जब सारा प्रकरण चला ये शायद 14-15 की बात है और उस टाइम पे एक कमेटी बनी। कमेटी ने एक मतलब सर्वे किया, सरकार ने हाई कोई चला गया हाई कोर्ट में, पीआईएल में गया, पीआईएल में चला गया, उस पर हाई कोर्ट ने कमेटी बना दी। सरकार ने उस सारी कमेटी के निर्णय पे और बिल्डिंग आइडेंटिफाई कर ली। ये प्रकरण तो सारा पहले हो गया, मतलब ये प्रकरण हो गया अब लगभग शायद 15-16 में ये बिल्डिंग आइडेंटिफाइड हो गई और उस पर हम रोकते रहे। फिर एक सरकार ने फिर ये हाई कोर्ट में तारीखें आती रही, हाई कोर्ट अपना वर्डिक देता रहा, टाइम टू टाइम सरकार को दिशा निर्देश होते रहे। तो अब चक्कर ये हुआ कि एट लास्ट जो सरकार ने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने गवर्नमेंट ने जो निर्णय लिया उसमें ये बिल्डिंग आइडेंटिफाई हो गई और पिछली तारीख में हाई कोर्ट ने शायद ये ऑर्डर कर दी कि भाई इनको तुरंत प्रभाव से सील करा जाए। ये निर्णय पुराना हुआ हुआ है। अब ये ऑर्डर की ये जब परसों मेरे पास आए तो मैंने कहा यार ये तो भारी संकट है, अपन ने इसको 4 साल से 4.5 साल से अब जैसे भी अब